हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहता है। अगर आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिस लेक्चर में हमने जब हम एनाटॉमी ऑफ नोज पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने क्लियरली देखा था कि आपका जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के दो रूट्स हमारी बॉडी में अवेलेबल होते हैं। हम गैस को इनहेल कर सकते हैं वाया नोज और वाया माउथ, दोनों, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या था ये भी हमने देखा था कि जब हम नोज के थ्रू एयर लेते हैं, वाया नॉस्ट्रल्स जब एयर जाती है, तो हमें पता है हमारी नेजल कैविटी में क्या है, हमारे बहुत माइन्यूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। तो एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल है या फिर फॉरेन जो भी मटेरियल है, वो उन एयर के थ्रू आपके हेयर जो प्रेजेंट है उसके थ्रू प्लस म्यूकोसा के थ्रू इंट्रैप हो जाते हैं। सो दैट जो एयर अंदर की ओर जाएगी, आपकी लंग्स में जो जाएगी, वो कैसी एयर होगी, आपकी फिल्टर्ड एयर होगी। जब हम बात करते हैं माउथ की, वाया माउथ, जब आपने देखा होगा बहुत टाइम क्या होता है, जब अगर आपका नॉस्ट्रल्स, अगर आपके नोज में कोई कंजेशन है, आप सांस नाक से नहीं ले पा रहे हैं, इन दैट केस हम क्या करते हैं, माउथ को यूज करते हैं, है ना। तो वाया माउथ नो डाउट अमाउंट ऑफ एयर जो अंदर जाता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू नोज, ठीक है। बट जो क्वालिटी ऑफ एयर होती है वो क्या होती है, आपकी कम होती है। बिकॉज क्योंकि हमारी ओरल कैविटी में कोई ऐसी चीज प्रेजेंट नहीं है जो क्या करेगी, आपकी एयर को फिल्टर करने का काम करेगी। तो जो एयर जाएगी, जो आपके ट्रैकिया से होते हुए, आपको पता है कि आपके फैरिंग्स से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाती है एयर, तो जो एयर जाने वाली है वो कैसी होगी, अनफिल्टर्ड होगी, जिसकी वजह से ट्रैकिया में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आपके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो हम नेजल को, अब एयर को इनहेल करते हैं, हमारे पास दो रूट हैं, एक हमारा नेजल कैविटी, दूसरा हमारा ओरल कैविटी। दोनों के थ्रू जब एयर अंदर जाती है तो फर्स्ट कहाँ एंटर करती है, फैरिंग्स में एंटर करती है। नेजल के थ्रू जब जाती है तो कौन से फेरिंग्स में एंटर करती है, नेजोफेरिंग्स में। ओरल कैविटी के थ्रू जाती है तो ओरोफेरिंग्स में, कॉमनली ओपन होता है इनटू लैरिंगोफेरिंग्स। देन फेरिंग्स के बाद क्या आता है, आपका ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के बाद आपकी ट्रैकिया से दो ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाइज बोलते हैं, है ना, जो लंग्स में एंटर कर रही हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई की फिर से ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई से फिर से ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई बोलते हैं। और टर्सरी ब्रोंकाई के एंड में हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। और मेन जो गैसियस एक्सचेंज होता है कहाँ पे होता है, एल्विलाई में होता है। आई होप ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताया है अबाउट दी एनाटॉमी, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड होगा। तो फाइनली एल्विलाई ही है जो आपकी ब्रोंकाइज की जो ब्रांचेज हैं, उसमें से भी जो टर्सरी ब्रोंकाई की ब्रांच आपके लोब्यूल्स हैं एंड में, वही आपके क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी है, और हम देखेंगे कि पूरी तरीके से बॉडी में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। हम केवल लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच की बातें नहीं करेंगे, हम लंग और एनवायरनमेंट की भी बातें करेंगे, लंग और ब्लड की भी बातें करेंगे, ब्लड और टिश्यू लेवल की भी बातें करेंगे। बिकॉज ओवरऑल गैसियस एक्सचेंज तीन लेवल पे होता है बॉडी में, कहाँ कहाँ होता है, पहला एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कहाँ से लेते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं ना, हमारे लंग्स में, और लंग्स के अंदर जो CO2 है वो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, यही होता है। तो पहला लेवल ऑफ एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स। सेकेंड लेवल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बिटवीन लंग्स एंड कैपिलरी बेड जिसमें आपका ब्लड है। तो हमने जो ऑक्सीजन अंदर ली है तो वो इसलिए तो नहीं ली कि लंग्स अपने पास रखेगा, वो इसलिए ली है क्योंकि लंग्स के थ्रू वो ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी ताकि सारे बॉडी पार्ट्स को वो ऑक्सीजन मिल सके। सो लंग्स यानी कि एल्विलाई, बार बार, है ना, एल्विलाई और हमारे ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होगा वो सेकेंड लेवल ऑफ एक्सचेंज है, क्लियर है, ठीक हो गया। ब्लड में भी ऑक्सीजन आ गई, अब ब्लड उसे कहाँ लेके जाएगा, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे। तो जो ब्लड और टिश्यू के बीच का एक्सचेंज होगा, दैट विल बी द थर्ड लेवल ऑफ एक्सचेंज। सो इन टोटल वी हैव थ्री लेवल ऑफ एक्सचेंज, ओके। सो वन बाय वन हम सारे कवर करेंगे, डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि बॉडी में किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है। सो वी शुड स्टार्ट विद आवर लेक्चर। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, देखो
ये हमारा हो गया सपोज, ये हमारा लंग का सरफेस है, ठीक है, एक मैंने लंग बना दिया है और ये हमारी सपोज मैंने इस तरीके से दिखा दी, ये हमारी क्या है एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई मैंने बताया था क्या है एल्वेलाई, जो हमारे ब्रोंकाइज है उनकी ब्रांच है, ठीक है, प्राइमरी की ब्रांच सेकेंडरी, सेकेंडरी की ब्रांच टर्सरी एंड टर्सरी के एंड में जो लोब्यूल्स हैं वो क्या है हमारी एल्वेलाई है, ठीक है, बंच में प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी एल्वेलाई है, लंग मैंने बना लिया। इसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले देखो मैंने क्या बोला, पहले लंग्स में कहाँ से एयर आने वाली है, एनवायरमेंट से, तो एनवायरमेंट हम कहीं पे यहाँ पे दिखा देते हैं, सपोज ये हमारा क्या है, ये एनवायरमेंट को शो कर रहा है, ठीक है, देखो एनवायरमेंट में ऑब्वियसली आपको पता है एनवायरमेंट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, सेम वेज लंग्स के अंदर भी, ये हमारी एक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी तो यहाँ एल्वेलाई में गैस आई होगी ना, तो इसका मतलब एल्वेलाई के अंदर ऐसा कभी भी नहीं होता है कि हमारे लंग्स के अंदर बिल्कुल भी गैस ना हो, गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो आप बोलेंगे कि जो हमारा एल्वेलाई है तो एल्वेलाई के अंदर भी आपका क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी। अब बात क्या आती है, अब यहाँ पे बात आती है पार्शियल प्रेशर की, ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, जब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट मूव करते हैं उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं ना, तो अब देखते हैं कैसे होगा। देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में जो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है ना पार्शियल प्रेशर, वो कितना होता है, देखो 160 mmHg, ठीक है, इतना प्रेशर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की वजह से बन रहा है, जो ऑक्सीजन जितनी है हमें पता है सबको 21% हमारा ऑक्सीजन बनाता है एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो कितना है 160 mmHg, क्लियर है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें पता है बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में, 0.003 की कंसंट्रेशन में होती है, परसेंट की कंसंट्रेशन में, तो एनवायरनमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रेशर क्रिएट करती है वो कितना है 0.3 mmHg, ये हमारा पहले से पता होना चाहिए आपको, क्लियर हो गया। अब बात करूंगी मैं विदिन लंग्स एल्वेलाई लेवल पे ऑक्सीजन का कितना आपका प्रेशर होता है, तो देखते हैं ऑक्सीजन का कितना प्रेशर रहेगा जब हम एल्वेलाई की बात करते हैं। तो देखो नॉर्मल केसेस में जब मैं बोलूंगी कि जिस टाइम पे इनहेलेशन नहीं था, जब गैस आपने अंदर नहीं ली थी, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो एनवायरमेंट से एल्वेलाई में गैस अंदर आने वाली है, तो चलिए यहाँ पे मुझे आप यहाँ क्लियरली बताइए कि अगर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होगी या आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली एनवायरमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना, तो क्या होगा, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ आपका क्या होगा, गैसेस का मूवमेंट होगा, तो ऑक्सीजन क्या करेगी आपकी, मैं यहाँ पे आपकी वो वैल्यू लिख रही हूं जो एक्सचेंज होने के बाद आएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगी कितनी 104 mmHg आफ्टर एक्सचेंज, बेटा ध्यान रखना मैं एक्सचेंज होने के बाद की वैल्यू लिख रही हूं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लगभग हो जाएगी 40 mmHg, ओके, ये कब के बाद है, जब गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, उससे पहले ऑक्सीजन बहुत कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी क्या होगी इसके कंपैरिजन तो ज्यादा होगी ही होगी, तो आपको बहुत क्लियरली अभी भी दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में कम है यहाँ ज्यादा है, आफ्टर एक्सचेंज भी ये हो रही है, तो आप सोचिए बिफोर एक्सचेंज क्या रहेगा, है ना, तो सिंपल क्या होगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ आएगी आपकी यहाँ पे हम लोग इसे मेंशन कर लेते हैं, तो फ्रॉम एनवायरनमेंट ऑक्सीजन अंदर एंटर कर जाएगी, O2 अंदर आई, और जो CO2 है वो यहां से कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी एनवायरनमेंट में, तो इतना तो क्लियरली समझ में आता है, ठीक है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होने वाली है, हाई टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, सबको पता है डिफ्यूजन में, तो यहाँ पे भी यही होगा, हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगी, तो इस तरीके से पहला लेवल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट हुआ बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स।
ठीक हो गया। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो एक्सचेंज होने के बाद सिचुएशन ये है, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, मैं बार बार पहले ही बोल रही थी आपसे कि एक्सचेंज होने के बाद का प्रेशर है, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 40 mmHg आफ्टर गैसियस एक्सचेंज। ओके, आप देखते हैं क्या होगा। अब देखो किस तरीके से हमारा बेसिकली, मैंने पहले भी आपको बताया जब हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किया था कि डायरेक्टली आपका लंग से टिश्यूज में आपका नहीं जाने वाला, बोला था मैंने। लंग से पहले कहाँ जाता है आपका, हार्ट में जाता है। जो ब्लड है वो लंग्स में एक्सचेंज होने के बाद कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से कहाँ जाता है, पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो इसका मतलब हार्ट बीच में एक स्टेशन की तरह वर्क करेगा। तो अभी तो ये लंग्स तैयार है, देखो अपने अंदर ऑक्सीजन लेके तैयार है, कितने प्रेशर वाली 104 mmHg प्रेशर क्रिएट करने वाली ऑक्सीजन अंदर है तैयार, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब आ जाइए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से इसे लिंक करके देखते हैं। सपोज ये क्या है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, मैं पार्ट बना रही हूं। एक साइड हम बनाएंगे ये है हमारा, ठीक है, इस तरीके से इसे ले लेते हैं, सो दैट जब हम इसे डिस्कस करें तो ये इजीली कवर हो, ठीक है, लाइक दिस। और एक साइड ये कौन सा एप्ट है, इसको पहले हम ड्रॉ नेमिंग कर देते हैं। दिस वन इज राइट एट्रियम, यहाँ पे आपको पता है ट्राइकस्पिड वॉल्व रहेगा, ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे भी आपके सेमिलुनार वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी क्या है, PA पल्मोनरी आर्टरी है। सब याद हो आपको अगर आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है तो, उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया था। नाउ ये जो आगे की ओर एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, ये पूरा पल्मोनरी आर्टरी है, बीच में ये आपका क्या है कैपिलरी बेड है। ऑब्वियसली मैंने बताया था आर्टरी और वेन्स आपस में कैसे कनेक्ट होती हैं, ठीक है, बीच में आपका कैपिलरी बेड रहता है दोनों के, ये हो गया। देन आपका यहां से आगे जो होगी ये कौन सी होगी, पल्मोनरी वेन, जो कहां पे ओपन होने वाली है ये भी हमने पढ़ा था। ये रहा हमारा लेफ्ट एट्रिया, और अगर ये आपने नहीं किया है तो पहले आप इसे देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कनेक्टेड है, ये हमने डिटेल में किया हुआ है। ये रहा आपका, ठीक है, लाइक दिस, ये हमने बना लिया। नेक्स्ट हम यहीं से इसका कनेक्शन दिखा देंगे, लाइक दिस। चलिए ये क्या है हमारा लेफ्ट एट्रिया, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में बाइकस्पिड वॉल, ये हमारी क्या है पल्मोनरी वेन, ठीक है। हमने क्या बोला था कि जितनी भी बॉडी का हमारा ब्लड होता है वो कहाँ आता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो आपको ध्यान में होगा कि हमारी बॉडी में जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आता है, आपका राइट एट्रिया में आता है, यही पढ़ा था आपने, ठीक है। इस तरीके से आपका इसके अंदर जितना भी आपका ब्लड होगा, मैं इसे रेड से ही दिखा रही हूँ क्योंकि ब्लड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा क्या होता है, ये प्रोसेस पूरी हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखी है कि हमारी बॉडी में जितना भी आपकी प्रोसेसेस होती हैं, हमें पता है कि जितनी भी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती हैं, तो उसके बाद क्या बनता है हमारा, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है वो तो टिश्यूज यूटिलाइज कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर जो भी उनका वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो ब्लड में डाल देते हैं। स्पेशली कहाँ डालते हैं, वेन्स में। अब ये वेन्स क्या करती हैं, इस ब्लड को लेके किसके पास जाती हैं, हार्ट के पास जाती हैं। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नीचे से जो लेके आती हैं, हार्ट के नीचे के जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां से कौन लेके आती है, इन्फीरियर वेना कावा, और हार्ट के ऊपर के जितने बॉडी पार्ट है उनसे कौन लेके आती है, सुपीरियर वेना कावा। और दोनों ही दोनों अपने अंदर जो भी ब्लड लेके आई है, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ पोर कर देती है, इनटू राइट एट्रिया, पढ़ा था ना, ठीक है। तो ये हुआ आपका, तो सारा का सारा ब्लड, मैं डायरेक्शन यही बता रही हूँ, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इन्फीरियर वेना कावा है, ब्लड लेके आई, सारा का सारा कहाँ डाल दिया, राइट एट्रियम में डाल दिया, ये एरो लग गया, ठीक है ना। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ये वेन्स है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर वेन्स, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो ये जो वेन है, वेन के अंदर भी तो बेटा आपका ब्लड है, ऑब्वियसली ब्लड में ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा,
ऐसा नहीं होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अपने दिमाग में, ये चीज दिमाग में रखनी है आपने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है बट ऑक्सीजन हमेशा रहेगी ब्लड में। ऐसा नहीं है कि वेन में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपने रखना है। तो क्या होगा, देखो वेन के अंदर ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वेन के अंदर जो ब्लड होता है इसमें जो ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे मैं कहीं पे मेंशन कर देती हूँ इस एरो को हटा के, ठीक है, जो वेन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना होता है और जो CO2 है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है। मेन चीज प्रेशर से ही हमने यहाँ पे डील करना है। तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा, 40 mmHg, याद रखिएगा। जो वेन्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर कितना है, 40 mmHg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रेशर कितना है, लगभग 46 mmHg। इतना आप दिमाग में रखिए, अपने रख सकते हैं, क्लियर है। वेन्स के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और दोनों कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यही वेन से ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारे राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, ठीक है, मैं इस तरीके से बता रही हूँ। देखो यहां से कहाँ आया आपका, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से वॉल्व ओपन हुए, कहाँ पहुंचा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये सेमिलोनार वॉल्व के थ्रू ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड आया तो ये कहाँ पहुंच गया, कैपिलरी बेड पे, ठीक हो गया, यहाँ ये ब्लड पहुंच चुका है। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे जो ब्लड है उसका कितना प्रेशर कितना है बेटा, पार्शियल प्रेशर कितना होगा यहाँ पे जो ब्लड पहुंचा है, यही तो होगा, यही ब्लड तो आ रहा है घूमता हुआ। हार्ट ने कुछ किया थोड़ा, हार्ट ने बस क्या किया, ब्लड को आगे पास किया, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेज दिया। यानी कि यहाँ पे ये जो ब्लड है इसका प्रेशर कितना है आपका, 40 mmHg ऑक्सीजन का प्रेशर है, और CO2 का कितना है, 46 mmHg है। तो देखिए जरा, मैं यहीं पे इसे और दोबारा लिख दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होए। यहाँ पे फिर इसे बाद में मैं हटाऊंगी जरूर, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन कितना है, प्रेशर 40 mmHg, और CO2 कितना है, 46 mmHg, यही है। अब क्या हुआ, देखो ये ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी से, कहाँ पे लेके आ गई है, ये कैपिलरी बेड है, ठीक है, जहाँ पे आर्टरी और वेन दोनों आपस में मिल रही हैं। तो जैसे ही ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड यहाँ बेड पे पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ एल्वेलाई में कितना है, 104 mmHg है। यहाँ पे देखो कितना है, 40 है। तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन मेंशन कर दे रही हूँ, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट यहां से यहां होगा, ऑब्वियसली बात है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि 104 mmHg यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है एल्वेलाई के अंदर, यहाँ पे कितना है, 40 है, तो हाई से लो गया। CO2 का केस देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है यहाँ पे, 40 mmHg है, यहाँ कितना है, 46 है। तो कहाँ से मूव होगा, 46 से 40 की तरफ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैं एरो बनाऊंगी, ऑब्वियसली इस तरीके से बनाते हैं, लाइक दिस, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया, इतना समझ में आया। अब क्या होगा, ये ब्लड जब आगे की ओर बढ़ेगा आफ्टर एक्सचेंज, कहाँ एंटर करेगा, ये पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में ये ब्लड एंटर किया। तो अब मुझे ये बताइए पल्मोनरी वेन में अब क्या होगा, अब जो आपका ऑब्वियसली जो ब्लड है, ये जो ब्लड आगे की ओर बढ़ रहा है गैसियस एक्सचेंज होने के बाद, ये जो प्रेशर है वो चेंज हो गया होगा। तो देखो क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आई है तो ऑक्सीजन का प्रेशर अब यहाँ पे बढ़ गया होगा, 40 से कितना हो जाता है, देखो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, इन पल्मोनरी वेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 98 और समटाइम आपको 100 भी कहीं पे मिलेगा, बट मैं यहाँ पे 98 ही लिख रही हूँ, 98 mmHg, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आपका वो रहेगा 40 mmHg। ये होगी सिचुएशन आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, देख रहे हो, यहाँ पे जब गैसेस एक्सचेंज हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो प्रेशर था वो 40 mmHg से कितने में बदल गया, 98 में, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आई थी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 46 था क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में वापस गई थी, तो 46 से कम हो गया, कितना हो गया, 40 mmHg। सो नाउ पल्मोनरी वेन अपना ब्लड कहाँ ड्रेन करती है बेटा, लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे ऑब्वियसली सेमिलोनार वॉल होंगे जिनके थ्रू ब्लड कहाँ आ जाएगा, ये क्या है, ये है हमारा एओर्टा, क्या है, एओर्टा, ठीक है।
तो सारा का ब्लड कहाँ पे आ गया, हमारे एओर्टा में आ गया, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ब्लड इसके अंदर आ चुका है। तो ऑब्वियसली जो एओर्टा में ब्लड है उसका प्रेशर यही रहेगा, क्योंकि यही ब्लड आगे की ओर गया है, तो ये प्रेशर एओर्टा में है। क्लियर है, ठीक हो गया। अब देखो एओर्टा का क्या काम होता है बेटा, हार्ट ने इसे ब्लड दे दिया है आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, हार्ट ने ब्लड एओर्टा में दे दिया है। अब एओर्टा क्या करता है, इसे डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन यहां से आई है एक्सचेंज होने के बाद, उसकी जरूरत किसे है, हमारे टिश्यूज को है। तो सपोज यहां पे हम ड्रॉ कर देते हैं, दीज आर आवर टिश्यूज, ये हमारे क्या है, टिश्यूज हैं ऑब्वियसली। तो आपको पता है जो हमारा, जो हमारी ये सेल्स हैं, पूरा जो टिश्यू है, इसके अंदर क्या होगा, आपका बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा, आफ्टर जब प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। ऑक्सीजन इन टिश्यूज ने, इन सेल्स ने ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज कर लिया होगा, लेकिन बदले में अंदर क्या बनाई होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप देखिए इसके अंदर जो ये सेल्स होंगी, ये पूरे टिश्यूज के, टिश्यूज में जो सेल्स हैं, इसके अंदर जो CO2 का लेवल है क्या रहेगा, वो ज्यादा रहेगा। हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पे CO2 का लेवल ज्यादा है और ऑक्सीजन ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये सेल्स यूज कर चुकी होंगी, अभी ये वेट कर रही हैं कि फटाफट से एओर्टा ब्लड लेके आए जिसमें ऑक्सीजन हो और हम उस ब्लड को ले लें। तो देखो क्या होगा, जो टिश्यूज के अंदर, यहाँ पे भी हमें प्रेशर पता होना चाहिए, जो टिश्यूज है इनके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है आपका, ये लगभग कितना होता है आपका, 40 mmHg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर कितना होता है, 46 mmHg। ये प्रेशर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 40 mmHg आपका ऑक्सीजन का प्रेशर है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 46, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है टिश्यूज के अंदर। ओके, तो अब देखो एओर्टा आ रहा है अपने साथ ब्लड को लेके आएगा, तो ये आया हमारा एओर्टा और ये ला रहा है अपने साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो इस तरीके से ये ब्लड आने वाला है और यहाँ पे आपका अगेन कैपिलरी बेड प्रेजेंट रहेगा, जहां पे ये लेवल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट होना है लाइक दिस। ये हमारा थोड़ा सा इसे हम ब्रॉड बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा आगे की ओर गया, तो ये हमारा क्या है, कैपिलरी बेड है जहां पे एक्सचेंज होना है फाइनल एक्सचेंज। और ये जो है कैपिलरी, हमेशा जानते हो ना कैपिलरी क्या करती है, आर्टरी को वेन से कनेक्ट करती है, तो हम यहां से इसे कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। चलिए अब हमारा कनेक्शन पूरा हुआ, तो क्या हुआ, देखो एओर्टा फटाफट से ब्लड लेके आया, कैपिलरी बेड में ये ब्लड आ चुका है। अब कैपिलरी बेड में आपको पता है जो ब्लड आया है, जो एओर्टा ब्लड लेके आया है, उसमें ऑक्सीजन कितना है आपका, 98 mmHg, CO2 कितना है आपका, 40 mmHg प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहां पे इसे लिख रही हूं, तो ऑक्सीजन कितना आपका प्रेशर यहाँ पे रख रहा है अपने पास, 98 mmHg, एंड जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये कितना है, 40 mmHg है प्रेशर लेके आया है। तो इस ब्लड में देखो क्या होगा, दोनों में एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन कितना प्रेशर है टिश्यूज के अंदर, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 40, लेकिन जो ये ब्लड आया है इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 98। तो मूवमेंट कहां से कहां होगा, ज्यादा से कम की ओर, 98 यहाँ पे 98 है ना ब्लड का, जो ब्लड में ऑक्सीजन है कितना है, 98 mmHg प्रेशर लगा रही है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन तो यहां से कहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी टिश्यूज में, और वहीं दूसरी ओर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज के अंदर कितना प्रेशर लगा रही है, 46 mmHg, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो एओर्टा जो ब्लड लेके आ रहा है उसमें कितना प्रेशर लगा रही है, 40। तो अगेन मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर टू लोअर, 46 से 40 की ओर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी, यहां पे आ जाएगी, कहां पे आ जाएगी, कैपिलरी बेड में आ जाएगी। तो अब ऐसा एक्सचेंज होने के बाद जो आपका ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन जो थी वो यहां जा चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ चुकी है, तो आगे की ओर जो ब्लड मूव करेगा टुवर्ड्स द वेन उसका प्रेशर कितना होगा, यही होगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 40 mmHg, CO2 का कितना हो जाएगा, 46 mmHg। क्यों हुआ ये सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजन अंदर चले गई 98 से
40 mmHg के प्रेशर की तरफ भागी, उसकी वजह से क्या होगा, अब जो ब्लड आपका ऊपर रह गया उसका प्रेशर वापस से क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि टिश्यू से कहाँ आ गई थी, ब्लड में आ गई थी, इसी वजह से जो 40 mmHg प्रेशर अभी तक लगता था वो बढ़ के कितना हो गया 46 mmHg, और दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू होगी और गैसेस एक्सचेंज इस तरीके से बॉडी में लगातार होता रहेगा। तो ये थर्ड लेवल ऑफ एक्सचेंज है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, वो ये है कि जो ये ऑक्सीजन 98 mmHg या फिर 100 mmHg जो ऑक्सीजन प्रेशर लगा रही है ना, अगर इसकी वॉल्यूम आप देखो कितना वॉल्यूम है, तो हमेशा ध्यान रखना जो 98 mmHg अगर प्रेशर ऑक्सीजन लगा रही है तो या 100 के रेंज में, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 20 ml/dL, ठीक है, 20 ml/dL ब्लड का हिसाब देख रहे हैं कि पर डेसीलीटर ब्लड में कितना ml ऑक्सीजन होगी, 20 ml ऑक्सीजन होगी तभी जाके 98 mmHg प्रेशर लगता है। सेम अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो 40 mmHg प्रेशर लग रहा है वो कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड लगाती है, तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए कि 48 ml जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है पर डीएल ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो वो कितना प्रेशर लगाती है, 40 mmHg, ठीक है, वॉल्यूम पता चल गई। अब देखो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना जब ये गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना, इस गैसियस एक्सचेंज के टाइम पे हमेशा क्या होता है, 5 ml ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है, 5 ml ऑक्सीजन कहाँ गई आपकी, टिश्यूज में डिफ्यूज होती है, उसके बदले में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आती है आपकी, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है, इतना ध्यान रखेंगे हमेशा। 5 ml ऑक्सीजन जब एक बार आपका डिफ्यूजन होता है तो 5 ml ऑक्सीजन आपकी कहाँ जा रही है, टिश्यूज में जा रही है, और टिश्यूज से बदले में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ रही है, ब्लड में आ रही है। तो अब मुझे ये बताइए यहाँ से कितना ml आ रही थी ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन आ रही थी, देखो 20 ml आ रही है, 20 ml में से 5 ml कहाँ चली गई, टिश्यूज में चली गई, बची कितनी, 15 ml, तो इसका मतलब वेन्स में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी आपकी आफ्टर दिस गैसियस एक्सचेंज, जो ये 40 mmHg प्रेशर लग रहा है ये कितनी होगी आपकी, 15 ml/dL होगी। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, टोटल 98 mmHg प्रेशर लगाने के लिए कितनी आपकी ऑक्सीजन चाहिए थी, 20 ml ऑक्सीजन लगाती है इतना प्रेशर, ठीक है। अब एक्सचेंज हुआ, 5 ml टिश्यूज ने ले ली, 20 में से 5 माइनस करो, बचा कितना, 15, तो आगे जो आपका ब्लड जा रहा है उसमें कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, 15 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। सेम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो 40 mmHg एओर्टा पे प्रेशर लग रहा है वो कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड लगा रही है, 48 ml कार्बन डाइऑक्साइड लगा रही है। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज 4 ml वापस यहां से टिश्यूज से ब्लड में आ गई, तो 48 तो पहले से थी, 4 ml और आ गई है, तो प्लस कर दो कितना बना, 52, तो यहाँ पे जो वेन्स में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है, 52 ml/dL है। तो ये हमारा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पता होना चाहिए आपको कि जब भी गैसियस एक्सचेंज होता है तो 5 ml ऑक्सीजन हमारी टिश्यूज में डिफ्यूज होती है, उसके बदले में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वापस ब्लड में आती है। ये हमारा पूरा क्या है, गैसेस एक्सचेंज है। तो 3 लेवल पे गैसेस एक्सचेंज हुआ, दोबारा से हम देख रहे हैं बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, ऑब्वियसली एल्वेलाई, इनके बीच में गैसेस एक्सचेंज हुआ। सेकेंड लेवल ऑफ एक्सचेंज हुआ बिटवीन एल्वेलाई एंड कैपिलरी बेड, देखा यहाँ पे भी एक्सचेंज हुआ था। एंड थर्ड लेवल ऑफ गैसेस एक्सचेंज किसके बीच में हुआ, बिटवीन कैपिलरी बेड एंड टिश्यूज, ओके। और ये साइकिल लगातार चलती रहेगी जब तक हमारी लाइफ, हम एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, ये साइकिल लगातार चलने वाली है। कभी भी अगर ये साइकिल हमारी बॉडी में ना हो और ये गैसेस एक्सचेंज की जो फेजेस हैं वो होनी कम हो जाए, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो एब्रप्टली चेंज हो जाएगा। और आपको एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान में आनी रहनी चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना वो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग एफिनिटी है ना उसे कम कर देती है। तो आप खुद सोचिए अगर आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हुई तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर ही नहीं पाएगा, और जब वो बाइंड नहीं कर पाएगा तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा कैसे, है ना। तो ये था
अबाउट द गैसेस एक्सचेंज। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि आपका देखो ऑक्सीजन कैसे आती है, ये तो हमें पता चल गया, हमने एयर को अंदर इनहेल किया तो हमारा ऑक्सीजन क्या करती है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और उसे लेके आपका क्या करता है, टिश्यूज में जाता है आपका और वहां पे आपका ऑक्सीजन को छोड़ देगा, है ना, यही करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक कर लेता है। तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन से रिलेटेड तो हमें पता है, बट जो CO2 का ट्रांसपोर्ट है ना, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारी बॉडी में जो ये CO2 टिश्यूज से जो CO2 यहाँ पे आई है ब्लड में, ये किस तरीके से लंग्स तक पहुंचेगी, ये डिजॉल्व फॉर्म में नहीं जा सकती है। ध्यान रखना, जो CO2 टिश्यूज से हमारे ब्लड में आई है ये इसी फॉर्म में, गैस के फॉर्म में नहीं जा सकती पूरी की पूरी, क्योंकि हमारी बॉडी इस तरीके से नहीं बनी हुई है कि वो CO2 के थ्रू जनरेट किया हुआ इतना प्रेशर झेल सके, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में तो नहीं जा सकती, तो हमारे CO2 के ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट फॉर्म होती है, 3 फॉर्म्स में CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, या तो वो सिंपल गैस के फॉर्म में जाएगी, कुछ परसेंट आपकी सिंपल गैसियस फॉर्म में चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परसेंट आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके चली जाती है, जिसको हमने क्या बोला, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना, जबकि ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं था, ऑक्सीजन सीधे क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो आई हीमोग्लोबिन होगा ब्लड में उसके साथ कंबाइन होके आपके टिश्यूज तक पहुंच जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, पहला फ्री फॉर्म में सीधे CO2 गैसेस फॉर्म में ट्रेवल करेगी, दूसरा हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होगी जिसको हम बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, और तीसरा बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगी, और सबसे मेजर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाइकार्ब के फॉर्म में होता है। तो ये पूरा हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू।